Snehlata Ideas. हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्नेहलता आइडियाज़। आज मैं आपको सिंपल नाइटी में ज़िप कैसे लगाते हैं वो बताऊंगी। जब हमें मैटरनिटी नाइटी की ज़रूरत होती है तो हम मार्केट से उसे ख़रीद के ले आते हैं, और हमारे घर में जो पहले से नाइटी सिंपल नाइटी है वो ऐसे ही रह जाती हैं, तो आप उसी नाइटी में ज़िप लगा के उसे यूज़ में ला सकती हैं। उसके लिए मैंने ये कॉटन का नाइटी लिया है। मैक्सिमम इस तरह के नाइटी सभी के पास रहती है, इसीलिए इसी तरह की नाइटी में मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आप बहुत ही इजीली इसमें ज़िप लगा के आप इसे यूज़ में ला सकती हैं। ये राउंड शेप का नाइटी है, इसलिए मैं इसमें ज़िप यहाँ से ही निकाल लूँगी। अगर आपके नाइटी में इस तरह का वर्क ना रहे तो आप यहाँ शोल्डर के पास से ज़िप लगा सकती हैं। सबसे पहले हम ये जो बाजू का हमारा है, इधर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये मैं अपने अनुसार बना रही हूँ, आप अपने अनुसार साइज़ कम या ज़्यादा ले सकती हैं। अगर आप इसे मेज़र नहीं कर पा रही हैं कि मुझे ज़िप कहाँ लगाना है, तो आप इसे पहले से पहन ली, उसके बाद आपको ज़िप जहाँ से स्टार्ट और जहाँ तक ख़त्म चाहिए वहाँ पे आप निशान लगा ली, फिर उसे खोल के इजली आप वहीं पर अटैच ज़िप कर सकती हैं। और हम ऊपर से 7 इंच पर निशान लगाएंगे, जैसे कि ये हमारा आ रहा है 7 इंच पर, तो मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। और हम यहाँ से भी देख लेंगे आर्म होल के पास से, ये भी देखिए ये हमारा 7 इंच आ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ शोल्डर से ज़िप लगाएंगे तो पहले हम शोल्डर का हाफ़ कर लेंगे, फिर वहाँ सेंटर से हम 4 इंच या 5 इंच पे निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम जैसे हम यहाँ कर रहे हैं वैसे ही हमें यहाँ शोल्डर के पास करना है। यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया, उसके बाद यहाँ से भी मैंने चेक कर लिया इसे 7 इंच पे, उसके बाद हम यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम सबसे पहले ये जो हमारा इसके ऊपर सिलाई लगा हुआ है उसे हम खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं सिलाई को। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे इसका सिलाई हमने खोल लिया है। ज़्यादा नहीं, हमें 3 इंच से 4 इंच तक ही सिलाई खोलना है, पूरा नहीं खोलना है। जहाँ हमें ज़िप लगाना है बस वहीं तक सिलाई खोलना है। अब हम यहाँ जो 9 इंच पे निशान लगा है वहाँ तक हम इसे कट करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने निशान लगाया, और ये यहाँ पे ये 9 इंच का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर लेंगे। ये देखिए इसे मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पे हम हल्का 0.22 इंच तक ही हमें कट करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस फोल्ड जितना करते हैं बस उतना हमें कट करना है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड्स, इस साइड से भी और हल्का सा इस साइड से भी, ये हमारा इतना ज़िप में फोल्ड होगा। चलिए अब मैं इसमें ज़िप अटैच करके बताती हूँ। इसके लिए मैंने ये वाली ज़िप ली है। आपके पास जो भी ज़िप अवेलेबल हो, जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ उसी तरह से आप इसमें अटैच कर सकती हैं। अब मैं बताती हूँ ज़िप कैसे लगाना है हमें। राइट साइड ज़िप ये हमारा है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारा इस तरह से बंद होगा तो ये हमारा ऊपर से रहेगा, तो ये हमारा राइट साइड ज़िप हुआ, और ये भी हमारा इस तरह से, ये हमारा राइट साइड हो गया और ये हमारा रॉन्ग साइड हो गया। कपड़ा भी हमारा राइट साइड है, राइट साइड को राइट साइड की तरफ से यूँ इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ एकदम इसके पास में सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड हमें इसी तरह से करना है। इधर ये हम दूसरे साइड का बता रही हूँ, ये दूसरा साइड है। इस तरह से हमें ये राइट साइड हमारा ये वाला है, राइट साइड को राइट साइड के ऊपर ही इस तरह से रखते हुए फिर हमें इसे यहाँ से सिलाई लगा लेना है दोनों साइड। ठीक है, तो पहले मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। एकदम जहाँ तक हमने 9 इंच पे जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है। ये देखिए ये इस तरह से मैंने दोनों साइड से ज़िप को अटैच कर लिया है। ये देखिए मैंने इसमें ज़िप अटैच कर लिया है। अब हम मैं इसे इसके अंदर इस तरह से डाल दूँगी। इस तरह से हम इसे ज़िप ऊपर निकालते हुए
ये देखिए, ये मैंने जिप को टर्न कर लिया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग हमारी कितनी अच्छी आई है। अब हम यहाँ पे इसे, यहाँ ऊपर में हम इसे ज्वाइंट कर लेते हैं इसे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे यहाँ तक ले आया है। उसके बाद इस जिप को हमें इस जिप के ऊपर यूँ इस तरह से रखते हुए इस तरह से यहाँ तक मैं इसे सिलाई लगा लूँगी। और ये जो कपड़ा हमारा है फोल्ड वाला, उसे भी हल्का इसके ऊपर चढ़ाते हुए ले लेना है। तो ये हमारा रहेगा कि जिप इससे हल्का कवर हो जाएगा। फिर इसके ऊपर यूँ इस तरह से रखते हुए मैं प्लेट बैठाते हुए जैसे था वैसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमारी जिप है। इसे इसके ऊपर यूँ इस तरह से रखते हुए और इस कपड़े को भी हल्का इसके ऊपर रखते हुए फिर हम इसके मैं इसके ऊपर से यूँ इस तरह से करते हुए सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमारा जिप लग के एकदम बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हमारी फिनिशिंग आई है, ये देख सकते हैं। इसे आप इजली इस तरह से ओपन कीजिए, इजली इसे बंद कर लीजिए। ये सिंपल जो नाइटी हमारे घर में रहती है उसमें मैंने जिप लगा के तैयार कर लिया है। इसी तरह से आप अपने नाइटी में या कुर्ती में इसी तरह से जिप लगा के रेडी कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।